हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टाइम हो चुका है 11 AM और मैं जा रहा हूँ नोएडा। नोएडा में मुझे कुछ काम था, एक तो मेरी कार के फॉग लैंप चेंज करवाने थे मुझे। तो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का एक साइड का जो फॉग लैंप है वो बंद हो गया था, तो देखने में अच्छी नहीं लगती गाड़ी। तो एक तो वो चेंज करवा के आना, और थोड़ा मुझे था कि इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने का व्लॉगिंग के रिगार्डिंग, थोड़ा शूट करने के लिए तो कई गैजेट चाहिए थे। तो उनके लिए वहाँ पे एक मॉल है और मैक्स कनॉट प्लेस करके एक मॉल है ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे रिलायंस स्टोर भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो वहाँ से जाके थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में पता करेंगे। और एक मार्केट थी, मेरे फ्रेंड ने नाम बताया था, उसकी रेफरेंस से आई गेस वो तुगलकर मार्केट है। तो तुगलपुर मार्केट भी चलेंगे और वहाँ से पता करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम उनके पास पड़े हैं ब्रेजा के लिए। अभी टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन बाहर गर्मी काफ़ी हो चुकी है, तो पता नहीं दोपहर को 1-2 बजे के करीब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो चलिए नेवर माइंड, यह भी हमारे मौसम है एक गर्मी का, तो इसे भी इंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक और बात थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। कई मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि आप पंजाबी में व्लॉग शूट करते हो, तो प्लीज़ आगे से हिंदी में शूट किया करें। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में व्लॉग शूट करने में, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल पंजाबी लैंग्वेज में था क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। तो हिंदी मैं बोल लेता हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी कभार ऐसा होता है कि पंजाबी टच बाहर निकल ही जाता है, और अदरवाइज समटाइम्स आई फॉरगेट कि मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे मैं हिंदी बोल रहा हूँ या पंजाबी बोल रहा हूँ। बट मुझे लगता है मेरी फैमिली इतना एडजस्ट करेगी, जब तक मेरी आदत नहीं बन जाती, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसे। गाइस, अब मैं एंटर हो चुका हूँ नोएडा के अंदर। NTPC से आते हुए पहले टाउन आता है एक छोटा सा दादरी, और देन दादरी के अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर के बाद हम नोएडा के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये टोल बिल्डिंग देख के आपको पता लग रहा होगा, एक्चुअली नोएडा फेमस है इंडिया में कि आफ्टर मुंबई सबसे ज़्यादा टोल बिल्डिंग्स नोएडा में ही हैं, और नोएडा की रोड्स भी काफ़ी चौड़ी हैं, आपको कई शॉट्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा शहर लगता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और बहुत कम वक्त लगता है कहीं पर भी आने जाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। दिल्ली में तो ट्रैफिक में आप फंस जाओ तो कितने कितने घंटे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन नोएडा में रिलैक्स होकर हम ड्राइव कर सकते हैं। अब मुझे पहले जाना है मेरे फ्रेंड के पास, उसे उसके घर से पिक करेंगे और देन जाएंगे तुगलपुर मार्केट में नए फॉग लैंप इंस्टॉल करवाने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुके हैं नोएडा, तो इस टाइम सीधा मैं मेरे फ्रेंड के घर के कोल सीधा ऑटो मार्केट में, इतने नेड़े ही पैंदी है। मैंने कहा है कि 10 मिनट मैनू मिलता है, एक्चुअली मैंने वह एड्रैस भी नहीं पता, फस्ट टाइम आ रहा मैं वो। तो पहला मैं सोचा चलो कुछ खा पी लें, तो इतने नेड़े जो कोई है नहीं सी, वैसे कोई फूड पॉइंट तो है नहीं सी, जस्ट एक प्रोविजनल स्टोर से। तो सर्दी फिर की करिए, सैंडविच लैके आया मैं उतो, सैंडविच खाने लगे नाल कॉफी ली सी, कोल्ड कॉफी ते हल्का फुल्का, यानी तुम पता ही है खाली पेट काम भी नहीं लेते जाते, है ना, कितने भी नहीं जाते, करवाए भी नहीं जाते, तो ध्यान उधर लगा रहा कुछ खा लिए, तो आप पहले ही खा पी के चलते हैं। चलो ठीक है जी। Thank you.
तो हो जाएगा रिमोट सही इसका? सेल तो ठीक है इसमें, और दिक्कत है कोई? ते आ भाई कर रहा है, फिट कर रहा फोग लैंप अपनी कार च। फोग लैंप पहले जलता रहे थे, बट ए प्रॉब्लम आ गई सी एक, मैं दिखाना थोड़ा की सीगा। एक बंद हो गया है, इचो थले वाला तो चलता है, रिंग तुम्हें पता लग रहा वो चलता होगा, पर इस साइड से रिंग नहीं चलता, कली लाइट जलती थी तो देखने दे काना लगता है। चलो चेंज हो जाएगी और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज लुक फिट होने के बाद। बाकी ये मार्केट यहाँ पे चैन मार्केट, मार्केट कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन चलो जो भी है अच्छा है, हमारा काम हो रहा है, नहीं तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है दिल्ली से, अभी टाइम लगेगा, 10-15 मिनट तो लगेंगे इसमें। चलिए फिट होने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या लुक है इसकी। मोड कंट्रोल बहुत सोहना है, वधिया है। फोग लैंप का भाई ने कर रहा है, फोग लैंप पूरे कर रहा है। बाकी जो भी है अभी फिटिंग हो रही है गाइस, तो फिट होने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसी लुक आती है। वैसे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी, और ये जो रिमोट वाला सिस्टम है कलर चेंजिंग का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए फिट होती है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी फ्रेंड, हूँ फोग लैंप तो आप चेंज करवा ले, नवे लग गया, काफ़ी वधिया लग रहे हैं, बट दिन च हजे पता नहीं लगना, इसलिए मैं नाइट में वह शोक शेयर करूँगा थोड़ा इंस्टाग्राम पर। बाकी मेरे इंस्टाग्राम भी तुम फॉलो कर लो, थोनू जो चीज़ा मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता वो मैं इंस्टाग्राम। तो बाकी हम चलते हैं, अभी मोल वाल चल रहे हैं, साढ़े नाल है साड़ी पैरें सुखमणी, तो जाने फिर तुम दिखाने के मोल है ना की है मैक्स मोल।
बाहर निकल के हम आए थे जगत फार्म मार्केट में, तो जो गैजेट हमें वहाँ से नहीं मिल पाए थे तो हम ट्राई करने आए थे जगत फार्म की मार्केट में। किसी की रेफरेंस से उन्होंने भेजा था कि यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन नहीं मिले। हाँ जी गाइस, तो अब मैं वापस निकल चुका हूँ घर के लिए। अभी जिस काम से हम मॉल गए थे वो काम तो नहीं हो पाया। मुझे कुछ गैजेट चाहिए थे व्लॉगिंग के लिए, तो मुझे ये था कि रिलायंस के स्टोर में अवेलेबल होंगे। अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन इनकी ये जो ओमैक्स मॉल की जो ब्रांच थी रिलायंस की, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट पड़े नहीं हुए थे। तो मेनली एक तो मुझे चाहिए था जो कूलर माइक, एंड सेकंड वन आई वॉज लुकिंग फॉर कि GoPro कोई अच्छा सा मिलता है, तो GoPro की मुझे ज़रूरत थी। तो चलिए, वो यहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने रेफरेंस दी थी कि जगतपुर मार्केट पड़ती है, या जगत फार्म मार्केट है नोएडा में। तो उनका कहना ये था कि आप वहाँ से जाके पता कीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी जिस शॉप पे मैं गया था उनमें से तीन चार शॉप्स के पास तो था नहीं। तो एक ने कहा था मुझे कि आप प्री ऑर्डर देंगे तो हम मंगवा देंगे, वैसे मोस्टली हम अवेलेबल होते नहीं हमारे पास, क्योंकि वो कॉस्टली भी काफ़ी थे। जो डबल स्क्रीन वाला GoPro आया वो तकरीबन 45 से लेकर 50,000 के बीच में है, तो वो ऑर्डर पे कह रहे थे। बट ऐसे ही नहीं है कि लेने के लिए पहले प्री ऑर्डर देना ही पड़ेगा, क्योंकि नोएडा के सेक्टर 18 में मार्केट है, DLF मॉल के पास मार्केट है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट टू निकालेंगे वहाँ का, DLF से ले आएंगे। फॉग लैंप मैं फिट करवा के आ चुका था वहाँ से। उस वक्त सूरज की रोशनी कुछ ज़्यादा थी तो आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता, तो मैंने यही सोचा था कि जिस टाइम थोड़ा अंधेरा होने लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लुक आ रही है। तो बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ए मोड में ये व्हाइट लाइट, देन दिस वन ये ऑरेंज है, मतलब साइड में जो रिंग है इनका ऑरेंज है, और मेन फोकस लाइट व्हाइट है,
ये थोड़ी, ये दोनों वाइट में आ चुके हैं, रिंग और फोकस लाइट। इसमें रिंग जो है वो येलो है और लाइट अभी ऑफ है। ये वाइट रिंग और ऑरेंज फोकस, और ये ब्लिंकिंग वाले मोड्स हैं, ये बटन टूल से होते हैं। बी बटन से इसे बार बार प्रेस करेंगे तो ये मोड्स चेंज होते रहेंगे। ये बार बार बटन प्रेस करने के साथ हो रहा है, जैसे अभी आप घर में बार बार आप बटन प्रेस करेंगे। ये ए मोड था, ए मोड में फर्स्ट ये है, दोबारा एक प्रेस करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएंगे, और तीसरी बार प्रेस किया तो ऑरेंज रिंग आ गया और वाइट फोकस लाइट्स, ये सारा वाइट हो गया, ये रिंग का चेंज हो गया। तो ऐसे ही अगर बी बटन को प्रेस करेंगे ये ब्लिंक करने लग जाएगा रिंग, और दोबारा प्रेस करेंगे ये है। और गाइस सी से अभी इतना नहीं होता, ये ब्लिंकिंग ही हो रही है, और डी से ऑफ अगर आप ऑफ करना चाहते हैं। तो वैसे मुझे जैसे कि मेरी वाइट लाइट्स हैं वो वाइट है, तो मुझे ये मोड ज़्यादा पसंद आया। आप भी कमेंट में बताइए कि कैसे लग रहे हैं फॉग लैंप जो फिटिंग हुई है। बाकी फिटिंग बहुत अच्छी हुई थी जिस लड़के ने की थी, जो इलेक्ट्रिशियन था, तो बहुत ध्यान से और बहुत बढ़िया तरीके से उसने की थी। और बाकी ओवरऑल मुझे फॉग लैंप्स की लाइट तो अपीयरेंस अच्छी लगी, बाकी ये रिमोट जो दे रखा है ये काफ़ी प्रीमियम है, तो मुझे ये भी अच्छा लगा था। ये रिमोट है प्रीमियम है, और अगर बटन ऊपर से ना प्रेस हो इसके लिए उन्होंने शटर भी दे रखा है, तो बटन दे रखा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसे आप कीरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ।